गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? लास्ट टाइम हमने छोटी ई क्या सीखा था? छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली कैसे होती है? ये मात्रा, ये सीखा था। छोटी ई से इमली कैसे होती है? ये, और ये उसकी मात्रा, ये सीखा था। और उसके बाद हमने उसकी बाराखड़ी भी लिखी थी, की, क और छोटी ई, की, क और छोटी ही लिखा था, सीखा था। आज उससे थोड़े आगे जाएंगे कि ही, गी, इसमें से हम थोड़े थोड़े शब्द लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे। और पहले तो मैं थोड़े से पिक्चर भी ड्रॉ करती हूँ, इजी है ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। चलो शब्द पढ़ो और लिखो, शब्द पढ़ो और लिखो। ऑलवेज मैं ऐसे ही लिखूंगी, पढ़ो और लिखो। सबसे पहले शब्द किताब, क्या किताब, का किताब कैसे लिखेंगे? तो देखो, देखिए ख, ख को किसकी मात्रा है? छोटी ई की, तो ख और छोटी की मात्रा क्या होगा? की, की ड, की, ख को बड़े ई की मात्रा है, वो भी हम आगे सीखने वाले। की ड की, खिड़की यानी विंडो, विंडो होती है ना जिससे हवा आती है जाती है, वो विंडो। की ड की, आई बात समझ में? कैसे शब्द
समझ में आ जाए। फिर उसके बाद है देखो छोटी ई ची डी या चको किसकी मात्रा है छोटी ई की, चको छोटी की मात्रा ची, डको छोटी की मात्रा डी, यको छोटी की मात्रा या। कैसे बोलेंगे चिड़िया, आई बात समझ में चिड़िया। चलो उसके बाद देखो र वी र, व को किसकी मात्रा है छोटी ई की, तो क्या बोलेंगे र वी, क्या बोलेंगे र वी। कैसे शब्द बोले जाते हैं देखो किताब हिरना खिड़की चिड़िया फिर रवि, समझ में आया रवि। इसके बाद है रवि, रवि यानी मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था सन सूर्य, सन होता है उसको रवि भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं रवि भी कहते हैं। इसके बाद है जीराफ़, क्या बोलेंगे जीराफ़, समझ रहे हैं जी, जाको किसकी मात्रा है छोटी ई की, तो जी रखो आपकी मात्रा जी रा फ, समझ रहे हैं कैसे बोलते हैं जीराफ़ है, जीराफ़ ही होता है जी रा फ। कैसे शब्द बनाए जाते हैं उसको कैसे बोले जाते हैं ये सब सीखना, क्योंकि उससे आगे तो मैंने बोला सेंटेंस भी आएंगे, जब हम इसे पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तो आगे इजी रहेगा, समझ रहा है। इसके बाद है सात नंबर, क्या बोलेंगे इसको डको किसकी मात्रा है आ, डको देखो डको किसकी मात्रा है आ, किसकी मात्रा है आ, तो क्या बनता है डा, क्या बनता है डा, डा। कपो किसकी मात्रा है छोटे ई की, तो क्या बनता है की। फिर यको या, क्या बनता है डाकिया, कैसे बनता है शब्द डको आपकी मात्रा, डको किसकी मात्रा है आपकी, डाकिया यानी पोस्टमैन, डाकिया यानी पोस्टमैन। शब्द कैसे बनता है देखो डाकिया, डको आपकी मात्रा डा, डको छोटी एक की मात्रा की, यको आपकी मात्रा या, डाकिया। सही बात समझ में, शब्द कैसे बना बोल बोल कर ही लिखना है, जब मैं चार बार बोल सकती हूँ तो आप तो दो तीन बार बोलो, बाद में एच डब्ल्यू में भी लिखो रफ फॉर्म में भी लिखो, बोल बोल कर लिखते जाओ तो याद रहेगा डाकिया। फिर उसके बाद है क्या बोलेंगे इसको कवि, कवि कवि, क्या बोलेंगे कवि, कवि यानी वो पोएट जो कविता लिखता है वो पोएट। रवि जी रा फ डा की या कवि किताब
लिखेंगे, ये लिख दो फटाफट। सबको एक ही मात्रा सी, सबको आठ की मात्रा।
वाक्य पढ़ो और लिखो, वाक्य पढ़ो और लिखो। आपको पढ़कर वाक्य लिखने हैं। जैसे रंगीन चौक के दिन चिड़िया फिर आ।
वाले हमने कुछ शब्द सीखे हैं, वाक्य कैसे पढ़ा जाता है वो सीखा है। अब उसके बाद जैसे एक पिक्चर दिया है तो उसको आपको वो किसका पिक्चर है वो देखना है और लिखना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये पहले लिख दो, तो मैं यहाँ रख करके ये पहले लिख दो, फिर आपको देखो 18 या 20 जो शब्द आए वो लिखो, उसको बीच में लाइन ड्रॉ करनी है तो करो, वरना नए पेज में भी लिख सकते हो। आपको लाइन ड्रॉ करके दूसरी बार लिखना है तो बार दो बार लिखोगे तो अच्छे हैंडराइटिंग आएंगे और बोलकर लिखना है। और अब मैं जो कर रहा हूँ आपको ऐसा है कि मैं मुझे ड्राइंग नहीं आता, आपको भी नहीं आता, पर जैसा ड्राइंग आए वैसे करना है, क्योंकि बुक में सारे पिक्चर दिए हैं, बुक में सारे पिक्चर दिए हैं, पर किसी के पास बुक नहीं होगी तो ला देनी है पर नहीं है, तो मैं मुझे भी जैसे पिक्चर आता है मैं करूँगी, आपको भी जैसे है वो करना। जैसे एटलीस्ट आपको सन बनाना तो आता है ना, तो वैसे करेंगे राइट। तो ये कर दो, क्या करना है चित्र के सामने नाम, तो उसका नाम लिखो। जैसे लास्ट टाइम मैंने सूरज का चित्र ड्रॉ किया था ना सन का, इसको सन को सूरज भी कहते हैं और मैंने बोला था कि इसको रवि भी कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे रवि। समझ आया रवि, आई बात समझ में? फिर से छोटे छोटे पान पत्ते कर दो, हो गया। तो क्या होती है ये इमली, क्या होती है इमली, क्या होती है इमली, इसे इमली। अब देखो आपका आपको ये सब नहीं आता तो छोटे छोटे ड्रो करो, सन तो आता है ना आपको ड्रो करना राउंड करके, तो उस पर आप अंदर कलर भी करना पर नॉट गंदी मत करना, अच्छे करना राइट। फिर
ग्लास है पानी से भरा हुआ, तो क्या लिखोगे? ग्लास। क्या लिखोगे? ग्लास। हो गए तीन चार। फिर एक और कर दो। फिर क्या करेंगे? रवि, निशान, कवि, ओके। जैसे तिलक, बड़ा यू कर दो, ऐसे कर दो। फिर लिखो तिलक, राइट? यहां करते हैं ना तिलक, ऐसे भी करते हैं, तो तिलक होगा। ड्रो करना नहीं आता, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैंने पहले बोला था। तो वाक्य पढ़ो और लिखो, शब्द फिर चित्र के सामने लिखो, ये लिखना है, करना है, राइट? नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ी ई वाली कराऊंगी, तो ये रट्टा नहीं लगाना है, पर याद करते रहना है। यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का हिंदी का। थैंक यू, हरिओम।